ऐसा विधायक जो आपकी सेवा में लगा हो और बैंक का जो एक अधिकारी रहा हो, मैनेजर रहा हो, और वो सेवा छोड़कर आपके बीच में विधायक बनकर आपके काम कर रहा हो, मैं आपको बधाई देता हूं और इस बात का निवेदन करता हूं कि ऐसा विधायक आपको नहीं मिले। वन मंत्री राकेश पठानिया रविवार को विधानसभा क्षेत्र जसीमपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कला नगरी अंद्रेटा में पहुंचकर वन विभाग के विश्राम गृह का नीम पत्थर रखा। वन मंत्री राकेश पठानिया ने बताया कि इस निर्माण कार्य में 50 लाख रुपए खर्च होंगे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक अरविंदर धीमान द्वारा क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों की जमकर प्रशंसा की। इससे पहले उन्होंने अंद्रेटा में स्थित विश्वविख्यात चित्रकार सरदार शोभा सिंह कला संग्रहालय को भी निहारा। इस मौके पर वन मंत्री राकेश पठानिया के साथ स्थानीय विधायक अरविंदर धीमान, मंडल अध्यक्ष राम रतन शर्मा, BDO पंचरुखी, SDM पालमपुर एवं सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। पंचरुखी से PR न्यूज सहयोगी भरत सिंह की रिपोर्ट। हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्ष पंडित जी मेरे साथ विराजमान हैं, हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और मेरे बड़े भाई समान बैठे यहाँ पे जी पठानिया जी, सभी मातृशक्ति को मेरा नमन, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, पत्रकार मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत दिनों से प्रोग्राम बन रहा था अंद्रेटा आने का, मेरा तो दिल का ये एक स्वप्न था कि जिस दिन मंत्री बना था पहला कार्यक्रम मैं रवि धीमान के क्षेत्र में ही करूंगा। और प्रोग्राम भी बना, एक बार नहीं बना, दो बार ही बना, पर ये जरा मूझ बने ना इकले ने अहां दे मुझे ज्यादा छोटे छोटे होते थे अहां ढगिया बनते थे जिम्मेदारी करते थे हूं अपने मूझ बने नहीं पूरे विश्व को चितर बितर करके रखती, जिस बात की कभी कल्पना भी नहीं की थी वो भी बात यहाँ पे देखने को मिल रही। जब 24 मार्च को लॉकडाउन लगा था हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इतना लंबा ये लॉकडाउन चलेगा। रेल पर ये देश, ये विदेश, ये दुनिया इस बीमारी से बाहर नहीं आए, अभी भी इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज केवल आपके हाथों में है, इसका इलाज केवल आपके पास है। अपना अपनी सुरक्षा हम सबको करनी पड़ेगी। कभी देखा था किसी पॉलिटिशियन को मुंह मास्क पहने? इस करके मैं जहां भी जा रहा हूं इस बात का विशेष ध्यान रख रहे हैं हम कि हम इस बात के लिए प्रचार भी करें, प्रसार भी करें और इस बात को सुनिश्चित भी करें कि हम इस बात को जरूर सुनिश्चित करें कि सुबह फोन करते हो तो अमिताभ बच्चन की आवाज के दर्शन होते हैं। और अमिताभ जी यही बोलते हैं, दो गज की दूरी और ये मास्क है जरूरी, जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढलाई नहीं। मित्रों, जैसे रवि जी ने बात रखी, अंद्रेटा वाकई एक नेशनल इंटरनेशनल मैप का गांव है। शोभा सिंह जी का आर्ट गैलरी के आज दर्शन करना भी है अपने आप में एक अपना ही अलग सा अनुभव है। मेरी शादी पालमपुर में हो रखी है और तो मेरी धर्मपत्नी आज से 31 साल पहले जब शादी के बाद घर आई थी तो अपने साथ एक बहुत सुंदर शोभा सिंह आर्ट गैलरी की फोटोग्राफ लेकर आई थी। आज भी वो हमारे ड्राइंग रूम में लगी हुई है, आज भी हम उसको एक ऐसा चित्र मानते हैं जिसका अपना अलग सा स्थान है। और ऐसे स्थान में जहां पे जैसे कहा इन्होंने कि ये कलाकारों की भूमि है, तो आपको मैं ये विश्वास दिलाने आया हूं कि जो 50 लाख रुपया सैंक्शन यहां पे हमने किया है उसमें बजट में कोई कमी ना आए और एक साल के अंदर अंदर ये रेस्ट हाउस भी बनेगा और उससे पहले हम आपको यहां पे होली मंच बना के देंगे, एक बढ़िया मंच यहां पे बना के देंगे, पूरा स्टेडियम के रूप में इसको डेवलप करके देंगे आपको।
ताकि बढ़िया पौड़ियां भी बन जाए और बीच में एक रवि जी अगर इजाजत देंगे तो एक लंबा ऊंचा भारत माता का झंडा लगाने का भी स्थान यहाँ पे बनाएंगे ताकि एक बड़ा झंडा यहाँ पे इस देश का लहराए। और आपने मांग की है कि शोभा सिंह जी का नाम इस रेस्ट हाउस पे रखा जाए, तो मैं निवेदन आपसे ये करना चाहूंगा कि अगर आप इजाजत देंगे तो एक बस भी उसमें हम शोभा सिंह जी का लगाएंगे, एक मूर्ति भी बनाकर लगाएंगे उसमें, ताकि एक यादगार हमेशा के लिए यहाँ पे बने रहे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि और आपको बधाई भी देना चाहता हूं, मैं बहुत लंबे अरसे से विधानसभा में हूं, 29 वर्ष का था जब एमएलए बन गया। पठानिया साहब भी पूरे अपने उसमें थे जब ये मीडिया का काम देखा करते थे, मुझे नहीं पता था कि आपका गांव यहां पर है, पर हमने तब पहली पौड़ी राजनीतिक चढ़ी, अगला 7वां चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मुझे वो भी दिन याद है जब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया, जहां शहीद हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, बचपन उस नारे के साथ बीता। जवान लगे होने तो 90 और 92 में अयोध्या में लाठीचार्ज खाने का मौका भी मिला, और विश्वास रखिए कि वहां पे नारा तो रखता था कल्याण सिंह ने किया, कल्याण मंदिर का होगा निर्माण, रामलला हम आए हैं मंदिर यही बनाएंगे, और जब वो ढांचा गिरा था तब भी मैं वहां पे था, बच्चे थे जवान थे, पर कभी ये कार्यकर्ता के रूप में ये कल्पना नहीं की थी कि कश्मीर में भी वो दो ध्वज जाएंगे, एक संविधान आएगा और कभी अयोध्या में राम के मंदिर का निर्माण हो, कभी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि हमारे जमींदार के खाते में भी 6-6 हजार रुपये आएगा। आप तो किस्मत वाले, 20 हजार की लीड आपको 21 हजार की यहां पर मिली रवि जी, हमारे लोग तो थोड़ा सा आगे चले गए, इस बार नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में हमें 36 हजार की लीड प्राप्त हुई लोकसभा के दौरान, और हमने जब वो दिन देखे हैं इस देश के अंदर, कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी, जब 270 सीटें आई थी लोग कहते हैं फ्लूक लग गया, पता नहीं कैसे गलती सरकार बन गई, अगली बार सरकार नहीं बनेगी, अगली बारी वो 270-72 की बजाय 310 पे चलेगा आंकड़ा, और ये देश अगर आज बचा हुआ है, मैं एक फौजी का बेटा हूं, आज इस देश का नाम पूरे विश्व में कहां से कहां चला गया, इस बात की कल्पना करना और इस बात के बारे में विचार करने की बात, आज भारत का नाम लेते हुए हमें एक गर्व महसूस होता कि हम भारतीय, इस देश की सेना का नाम लेते हुए आज हमें गर्व महसूस होता कि ये भारत की फौज, वो 62 का हिंदुस्तान और आज का चाहे हिंदुस्तान, जमीन आसमान का फर्क है उस हिंदुस्तान में और आज के हिंदुस्तान में, और रवि जी ने ठीक कहा, चाइना को भी ठंड पड़ी, पाकिस्तान को भी ठंड पड़ी, ये जो देश बदल रहा है, और ये कोरोना की महामारी में जहां अमेरिका के अंदर 4 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जहां फ्रांस तबाह हो चुका है, इटली बर्बाद हो गए, आज हमारी डेथ रेट जो है 1.2% पे आ गई, सबसे कम मोर्टालिटी इस देश के अंदर है, और कल्पना करिए मित्रों, अगर इस देश का प्रधानमंत्री मोदी ना होता है कितने वो पप्पू होता फिर क्या होना, ढेर लगना लाशा तुम्हें ढेर लगना, कहीं वो पप्पू जी महाराज होते हैं यहां पे प्रधानमंत्री तो क्या हाल होना था इस देश का, आपको कल्पना नहीं होनी थी इस बात। आज हम लोग सुरक्षित हैं, एक ऐसे नेतृत्व के लिए सुरक्षित है जिसका नाम भाई नरेंद्र सिंह मोदी, और उस आदमी की कितनी तेज वो है मेमोरी है, अभी रोहतांग पास में आए हम लोग खड़े थे, जब मंत्री साहब में खड़े थे चार, मेरे पास आए खड़े हुए, टेढ़ी नजर करके देखी, पठानी बड़ा मोटा हो गया है, मेरे तो प्राण निकल गए, प्रधानमंत्री मेरे से बात कर, क्योंकि 96 में मुझे बाई इलेक्शन लड़ाया था, और एक एक बात उनको तब की याद थी। इसलिए मित्रों, ये जो हम आज जिस युग के बीच से आज गुजर रहे हैं, जिस भारत के युग से आज गुजर रहे, ये एक परिवर्तन का युग, आज देश बदल रहा है, भारत बदल रहा है, समय बदल रहा है, और इस कोरोना के महाकाल के अंदर भी 33,000 करोड़ के नुकसान के बावजूद भी हम रेस्ट हाउस का शिलान्यास कर रहे हैं, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कल्पना है, इस बात को भी ध्यान रखें, हम उसके बावजूद भी विकास के कामों में कोई कमी नहीं आने दे रहे, 100 करोड़ से ऊपर के काम रवि जी ने अभी आपके सामने गिनाए हैं, इस बात की कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता विधायक जैसिंगपुर के अंदर की 125 करोड़ के काम जैसिंगपुर में होंगे, और एक विशेषता मेरे और रवि के अंदर जो बड़ी खास है वो ये कि मैं पिछले 18 साल से
माइनिंग माफिया की लड़ाई लड़ रहा हूं, और जब मेरा भाई खड़ा होकर विधानसभा माइनिंग के खिलाफ बोलता है तो मुझे बड़ी ठंड पड़ती कि एक और मित्र मुझे मिला जो माइनिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा है। माइनिंग के खिलाफ वही लड़ाई लड़ता जो बिकाऊ नहीं होता, जो बिकता नहीं है वही लड़ता। इसलिए मित्रों, जिस विधायक को मैं हमेशा सचिवालय के अंदर कोई ना कोई कागज यहां पे फंसा के घूमता हुआ देखता हूं, सुखी ने इसको मैंने कभी देखा नहीं, हमेशा दुखी देखा। मैं कई बार बोलता हूं, मैं अगर अभी हंस लिया कर दे यार, करो सुखी भाई ये कम रही है, ये कम रही है, मैं रोई है थोड़े थोड़े कम है, हंसी भी लिया कर, हमेशा दुखी और हमेशा काम के पीछे दुखी। ये नहीं कि अपने काम से दुखी, हमेशा आपके कामों को लेकर दुखी। ये सड़क रहेगी, ये पुल रह गया, ये रास्ता रह गया, ये रह गया, हमेशा दिन रात शिमला में आता तो सचिवालय के चक्कर लगा लगा के मैं कोई 5000 पौड़े चढ़ दो, 5000 उतर दो सारी दिहाड़ी शाम अफाइए करें। ऐसा विधायक जो आपकी सेवा में लगा हो और बैंक का जो एक अधिकारी रहा हो, मैनेजर रहा हो, और वो सेवा छोड़कर आपके बीच में विधायक बनकर आपके काम कर रहा हो, मैं आपको बधाई देता हूं और इस बात का निवेदन करता हूं कि ऐसा विधायक आपको नहीं मिले। मित्रों, बहुत से काम अभी यहां पे करने को है। रवि जी रास्ते में बात कर रहे थे और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली कि फाइन आर्ट्स का कॉलेज एक अंदरेटा में होना चाहिए, और वाकई यहां पे क्योंकि फाइन आर्ट्स एक ऐसा विषय है, मैंने इनको कहा कि आप इस विषय को उठाइएगा, कैबिनेट में लाइएगा, मैं आपका वकील बन के वहां बैठा हूं, और एक फाइन आर्ट्स का कॉलेज अंदरेटा में खुले, क्योंकि ये धरती ही ऐसी धरती है जहां पे कलाकार पैदा हुए, जहां पे चित्रकार पैदा हुए हैं। इसके लिए भी हम आपका पूरा साथ देंगे, आप जैसे ये प्रपोजल को लेकर आएंगे हम आपके साथ खड़े होंगे और पूरी लड़ाई आपके साथ लड़ेंगे कि इसको हम पार लगा सके। आज मित्रों, जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार आगे बढ़ रही है, और हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम बहुत आगे बढ़ रहे। गलत पब्लिसिटी करने का प्रयास किया जाता है कई बार कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जो कुछ अब हुआ वो कभी नहीं हुआ। कभी किसी सरकार को यह महामारी देखने का एक्सपीरियंस नहीं था। कांग्रेस के मित्र तो ऐसे बयान देते हैं जैसे उनकी चार पुश्तें महामारी के साथ लड़ती आई हूं, और कोरोना की जमे तो कोरोना ही मरी है, यह लगा था। आज जिस तरीके से यह सरकार ने अपनी इस लड़ाई को लड़ा है वो अपने आप में एक अलग सा एक एक्सपीरियंस है, वो अलग सा अनुभव है। और अगला जो आने वाला समय है, ये देश का जो परिवर्तन हो रहा है, ये देश जो बदल रहा है, ये देश जो आगे बढ़ रहा है, उसका हिस्सा हमें बनना होगा, हिमाचल को बनना होगा। क्या आप विश्वास, आप में से कोई यह विश्वास करता है कि अगली बार मोदी की सरकार नहीं बनेगी दिल्ली में? कोई करता आप में से विश्वास? नहीं करता। बनेगी ना मोदी की सरकार एक बार? जब तक मोदी साहब रहेंगे सरकार उन्हीं की रहेगी, जनता पार्टी बढ़ती रहेगी आगे। बहुत बढ़िया। ये मैं जिस क्षेत्र से इलेक्शन लड़ता हूँ ना, वहां पर सतमा इंच चुनाव लड़ा था और वो 7 बार विधायक बने। वो भाषण पता क्या दिया करते हैं, सारे ग्राए आना होते छोटे छोटे होते, बोले बड़ा ट्रांसफॉर्मर लगया दिल्ली तुआ ते करंट चलता, फिर ही पूछता शिमले, शिमले बड़ा लगया ट्रांसफॉर्मर, बोले साडा, फिर तुआ ते करंट चलता, पूछता नूरपुर, नूरपुर बोले मेरा ट्रांसफॉर्मर लगया, जे एक आधा रस्सा भी तार टूटी गई तो फ्यूज उड़ी जाना। जब आप अपने मुंह से बोलेंगे बड़ा ट्रांसफॉर्मर दिल्ली में मोदी का लड़ा, तो छोटा ट्रांसफॉर्मर जयराम का ही लगेगा शिमला के अंदर, और यहाँ पे रवि का लगेगा, ताकि जब तक रवि दीवान यहाँ पे एमएलए है, ये तार का करंट जुड़ा रहेगा और आपस में विकास बढ़ता रहेगा। विकास तभी बढ़ता है जब दिल्ली से आशीर्वाद प्राप्त हो, और दिल्ली में मोदी की सरकार अब रहने वाली है। जब दिल्ली में सरकार रहने वाली है तो हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार रहने वाली है, जब हिमाचल में जयराम सरकार रहने वाली है तो यहां से रवि धीमान का विधायक रहना जरूरी है, ताकि वो विकास की गंगा बहती रहे, विकास आगे बढ़ता रहे और हम आगे को अपने काम जो है वो कराते रहे।